प्यारे बच्चों, ये हमारी हिंदी की व्याकरण का दूसरा पार्ट, इसका नाम है वर्ण विचार। इसको हम ऑर्थोग्राफी भी कहते हैं अंग्रेजी में। क्या कहते हैं? इसका अंग्रेजी में नाम है ऑर्थोग्राफी। चलिए हम पढ़ते हैं। चित्र को देख के तथा वाक्य को पढ़िए। नेहा फूल तोड़ती, ठीक है ना, ये नेहा फूल तोड़ रही। अब नेहा में चार ध्वनियाँ हैं, न ए की मात्रा, ह आ की मात्रा, ये होगी चारों। फूल, फूल में कितनी मात्रा होगी? फ, फ के साथ ऊ की मात्रा, ल के साथ अ की मात्रा, इसमें भी ये चार ध्वनियाँ, इसमें भी चार ध्वनियाँ। तोड़ती में छः ध्वनियाँ, त ओ की मात्रा, ड अ इसके साथ जुड़ा हुआ, त ई की मात्रा छः, और है में भी दो ध्वनियाँ। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरीके से विभिन्न ध्वनियाँ जो है ये वर्ण है। अब ये जो ध्वनियाँ हैं ये सबसे छोटी ध्वनियाँ हैं, इनके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसलिए ये वर्ण है। और शुद्ध उच्चारण के साथ साथ सही सही लिखने के लिए वर्णों का विशेष महत्व होता है। ये वर्ण की परिभाषा दे रखी है। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके वर्ण अथवा अक्षर कहलाती है। अब जैसे देखो, आप इस ल के और टुकड़े क्या करोगे? हाँ, इस ल के टुकड़े कर सकते हैं, ल, हलंत और अ, लेकिन ये जो है ये आपका वर्ण है। वर्णों के भेद की बात करते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर जिनको अंग्रेजी में वोवेल्स कहते हैं, व्यंजन जिनको अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट कहते हैं, और वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। अ से लेकर के अ आ ई ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अम अह, ये सारे स्वर हैं, ये वर्णमाला है। क ख ग बड़ ग अंग च छ ज ट ट ड ड ण, ये सारे वर्णमाला कहलाते हैं। अब स्वर की परिभाषा कि स्वर बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं। ये अ आ ई ई ये बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं, लेकिन जो व्यंजन होते हैं उनके लिए सहायता जरूरी होती है। जैसे ल, तो ल जो है इसमें अ छिपा हुआ है, ये अ की सहायता के बिना नहीं बोला जाएगा। व्यंजनों को बोलने के लिए हमें सहायता की जरूरत पड़ती है। आज हम स्वर के बारे में पढ़ते हैं। हिंदी में कितने स्वर हैं? हिंदी में 11 स्वर हैं। अ आ ई बड़ी ई ऊ बड़ा ऊ री ए ऐ ओ औ, ये 11। और अनुस्वार जो है ये 13 नहीं है, ये तो अनुस्वार कहलाता है और ये विसर्ग कहलाता है। हिंदी में कुल कितने स्वर हैं? 11 स्वर है। तो देखिए, ये परिभाषा दे रखी है स्वर की। जिन ध्वनियों को बोलते समय मुंह से हवा बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है वह स्वर कहलाते हैं। मतलब अ आ ई, हवा निकल रही है, कोई रुकावट नहीं है, तो ये स्वर हो गए। चलिए, हमें तो केवल स्वरों के भेद कितने हैं, स्वर कितने हैं, यही ध्यान रखना है। स्वर के निम्नलिखित तीन भेद हैं, ह्रस्व स्वर शॉर्ट वोवेल्स, दीर्घ स्वर लॉन्ग वोवेल्स, प्लुत स्वर लॉन्गर वोवेल्स। ये देखिए, इनको इस तरीके से डिवाइड भी कर रखा। अब देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में थोड़ा समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, मतलब जिनको बोलने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे अ लंबा जा रहा है, ई ऊ री, ये चार हैं, ठीक है ना, जिनको टाइम लग रहा है बोलने में वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। और दूसरा आता है आपका दीर्घ स्वर, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व से दोगुना समय लगता है वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं, और ये कितने हैं कुल? 7। आ ई ऊ ए ऐ ओ औ, ये कुल 7 हैं। फिर प्लुत स्वर की बात करते हैं, तो जिनके स्वरों के उच्चारण में तिगुना समय लगता हो, हे राम ओम, ये इनका प्रयोग बहुत कम होता है और इसका प्रयोग दूर से बुलाने के लिए किया जाता है। तो ये आपका जो स्वर वाला है टॉपिक वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। आज हमने स्वर के भेद और स्वर की परिभाषा पढ़ ली है। आज के लिए पर्याप्त है।